वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपेयर करने वाले हैं 2024 स्विफ्ट डिज़ायर को ओल्ड डिज़ायर के साथ। हमारा कंपैरिजन फुल इन डिटेल में रहने वाला है, सो मेरी वीडियो ध्यान से देखना बिना स्किप करे हुए। अगर हम बात करें एक्सटीरियर लुक्स एंड फीचर्स की, फ्रंट लुक जैसा कि आप सामने इन दोनों गाड़ियों की देख ही पा रही हैं, पहली बात लुक्स एकदम टोटली डिफरेंट है। बाकी आपको न्यू स्टाइल ऑफ LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे न्यू डिज़ायर में, जिसमें आपको ऑडी स्टाइल प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि हेडलैम्प्स का डिज़ाइन विद लो बीम हाई बीम। उसके साथ आपको इन दोनों गाड़ियों में फॉग लैम्प्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पर आपको स्विफ्ट डिज़ायर 2024 में फ्रंट कैमरा एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। साइड लुक में आपको इन दोनों गाड़ियों में 15 इंच के अलॉय व्हील्स, पर आपको न्यू डिज़ायर के ओवर बीम के नीचे कैमरा एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। बाकी रियर प्रोफाइल में यहाँ पर आपको न्यू डिज़ायर में न्यू स्टाइल के LED टेल लैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट आपको नॉर्मल प्रोवाइड की जाएगी। ओवरऑल आपको लुक्स इन दोनों गाड़ियों की सिमिलरी देखने को मिलेगी, बस माइनर चेंज है इसके टेल लैम्प्स में। बाकी बम्पर एंड बूट का डिज़ाइन आपको पुरानी डिज़ायर एंड न्यू डिज़ायर में लगभग सेम ही देखने को मिलेगा, पर जो मेजर चेंज है वो है इस गाड़ी का रूफ। आपको 2024 डिज़ायर में सनरूफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें ओवरऑल इंटीरियर की, जैसा कि आप डैशबोर्ड इन दोनों गाड़ियों का देख ही पा रहे होंगे, ऊपर वाला टोटली न्यू डिज़ायर का, जिसमें आपको बड़ा 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, पर आपको ओल्ड में सिर्फ 7 इंच का देखने को मिलता था। बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको, अगर हम बात करें न्यू डिज़ायर में क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, पहला फीचर न्यू बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेकंड फीचर 360 डिग्री कैमरा, थर्ड फीचर वायरलेस चार्जर एंड फोर्थ फीचर सनरूफ। सो ये सब फीचर्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे न्यू डिज़ायर में। बाकी आपको पहले भी डिज़ायर में रियर एसी वेंट्स, रियर आर्मरेस्ट जैसा फीचर प्रोवाइड किया जाता था। सेफ्टी वाइज आपको अब न्यू डिज़ायर में 5-स्टार बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, जो आपको पहले पुरानी में नहीं देखने को मिलती थी। बाकी आपको न्यू डिज़ायर में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड भी देखने को मिल जाएंगे, सो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है सेफ्टी के लिहाज से। पहले आपको स्विफ्ट डिज़ायर में सिर्फ 2 एयरबैग्स देखने को मिलते थे, पर अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, वहाँ पे आपको पुरानी स्विफ्ट में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन प्रोवाइड किया जाता था, जिसकी पावर थी 90 BHP एट द रेट 113 Nm ऑफ टॉर्क। पर अब आपको डिज़ायर में टोटली न्यूली लॉन्च्ड स्विफ्ट का इंजन देखने को मिल जाता है, जो है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर है 82 BHP एट द रेट 112 Nm ऑफ टॉर्क। सो यहाँ पे आपको टॉर्क भी कम देखने को मिलती है एंड BHP भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस इंजन, एंड 1 सिलेंडर भी कम है, यानी कि यहाँ पे आपको इंजन डाउनग्रेड देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल। बाकी माइलेज तो आपको ज़्यादा बढ़िया देखने को मिली जाएगी विथ 5-स्टार बिल्ड क्वालिटी। बाकी अगर हम बात करें इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस की, वो अब बेटर है गूगल कर लेना, थोड़ी बहुत तो महंगी होने वाली है न्यूली लॉन्च्ड स्विफ्ट। सो कैसी लगी आपको ये गाड़ी, कमेंट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे जो इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग पार्ट लगा, वो है इस गाड़ी की 5-स्टार बिल्ड क्वालिटी। मुझे अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा। उसके साथ इसका जो इंजन है वो आपको थोड़ा कम पावर वाला देखने को मिलता है, वो चीज़ मुझे काफ़ी गंदी लगी स्विफ्ट डिज़ायर एंड स्विफ्ट की। बाकी आपको इस बार स्विफ्ट डिज़ायर में फ्रंट लुक काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का लाइक एंड ऐसी और बढ़िया वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।